गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगी। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है 19 से, मेरा पेपर है। और आज जो है 13th ऑफ अगस्त है, 19 से पेपर है हमारा। एंड इतने सारे सिलेबस है एंड कुछ भी नहीं हुआ है कवर अभी तक। सो ये वही वाला ब्लॉगर है, दैट्स व्हाई मैं अभी कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। एक पूरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन का ब्लॉग बनाऊँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू बी पास, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिलहाल एनाटॉमी में बहुत सारा जो टॉपिक्स है, लाइक ऐसे मतलब मैंने टॉपिक्स थोड़े बहुत बनाए हैं, मैं दिखाती हूँ। ये पूरा लिस्ट एक पेज का है, ये चैप्टर्स के लिए है। आफ्टर दैट एक इधर है एंड ये सिर्फ जितना मुझे याद आ रहा है। आफ्टर दैट इसके बाद और भी चीज़ें हो सकती है। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि एनाटॉमी में हमें क्या करना होता है कि हमें ना डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक पहला मैंने टॉपिक लैक्रिमल एपरेटस उठाया और मैंने उसके डायग्राम्स प्रैक्टिस करना शुरू करा। सो मैंने क्या करा है कि दो तीन बार उसने बना लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले सारे टॉपिक्स के डायग्राम्स याद करूँ, क्योंकि डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे थ्योरी कुछ भी याद नहीं आ गया तो आई कैन ड्रॉ डायग्राम एंड उससे मैं नंबर पा सकती हूँ। एनाटॉमी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद कलर्स एंड ये सब देखते हुए कलर्स का इस्तेमाल करो एंड लेबलिंग ऑब्वियसली अच्छे से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे करनी है, दैट्स व्हाई आई एम प्रैक्टिसिंग दिस। सो या ये वही वाली ब्लॉग होने वाली है एंड ये 19 से पहले पहले तक मैं जितना भी कर पाऊँ वो वाली ब्लॉग होगी। सो या स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को यहीं से एंड प्रैक्टिस करते हैं। पेपर है 19 से और पढ़ना है, दैट्स व्हाई मैं आज गई नहीं। और कल छुट्टी है हमारा, तो दो दिन लगेंगे। DATS बहुत ज़्यादा सिलेबस है और पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई लाइक कि बस पास होने के लिए पढ़ लूँ, कैसे भी पासिंग मार्क्स आ जाए, दैट्स ऑल आई वॉन्ट नाउ। क्योंकि पास ही होना मुश्किल हो रहा है कॉलेज में अब तो हर किसी के लिए। सो या अभी मैं डेंटीन पढ़ रही हूँ और के साथ स्टार्ट करते हैं पढ़ना।
है बिकॉज अब पीछे नहीं हट सकते आप आ चुके हो कॉलेज एंड ये एग्ज़ाम्स और ये सिलेबस आई कांट टेल यू गाइस कि कितना मतलब ज़्यादा सिलेबस है और हमारे पास वक्त कितना कम होता है और कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. आई नो सबको करना पड़ता है, मैं ही अकेले नहीं हूँ. स्टिल इट इज़ वेरी वेरी टफ एंड चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही और अब पता है मन उबने लग गया है कि यार और नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत छूट गई है क्योंकि समय ही नहीं मिलता. हम हमेशा छापने की काम करते हैं, हम हमेशा कॉलेज का कुछ इवेंट कुछ कुछ होते रहता है या फिर कुछ असाइनमेंट है, कुछ प्रैक्टिकल दिखाना है, कार्विंग्स करके दिखाने है. हम हमेशा उसी में लगे रहते हैं, हम अपनी मेन स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. और अभी एक फालतू का अफवाह हमारे अनऑफिशियल ग्रुप में उड़ गया कि हमारे फाइनल सेप्टेम्बर में होंगे, वो अलग ही है. आई डोंट नो कि वो सच है कि नहीं क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप में तो नहीं आया. वॉट एवर, बट अभी फ़िलहाल जो टेंशन है कि परसों पेपर है और इतना कुछ पढ़ने को, इतनी सारी चीज़ें, कुछ रिकॉल हो रहा है, कुछ भूल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जा रहा है दिमाग से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लिटरली. बट ठीक है, करना पड़ेगा गाइज. बहुत स्ट्रगल है गाइज, बहुत ज़्यादा. अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल है इधर. मैं क्या करूँ यार, बहुत दिक्कत है, मम्मी बचाओ. गाइज आज 18 अगस्त है और सुबह से कभी ये कभी वो ये सब पढ़ने के चक्कर में सारा दिन बीत चुका है और अभी का रात का 8 बज रहा है एंड बहुत ज़्यादा डर लग रहा है लिटरली. मेरे शक्ल को देख के नहीं लग रहा होगा बट लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज कल पेपर है हमारा DADH का एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बहुत अच्छे से. आज मैं सुबह उठी एंड कैनाइंस पढ़ा एंड थोड़ा सा प्रीमोलर पढ़ा, वो भी मैं अब तक भूल चुकी हूँ. आफ्टर दैट मैंने डेवलपमेंट ऑफ टूथ पढ़ा है. यू कैन सी ये डायग्राम्स जो मेरे नाइटमेयर्स थे वो मैंने अभी बिना देखते प्रैक्टिस करा है. होपफुली कल एग्ज़ाम में भी बन जाए ये सब एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी पास इन दिस सब्जेक्ट एनी हाउ. और क्या करा मैंने, हाँ तो उसके बाद मैंने ये पढ़ा. आफ्टर दैट लंच वंच करके मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था क्योंकि मैंने कल वर्कआउट कर लिया था जूस वूस में आके, तो उसका असर अभी दिख रहा है. एंड और क्या है कि आज नहीं करा मैंने वर्कआउट, मैंने कहा रहने दो भाई एग्ज़ाम हो जाए फिर देखेंगे. उसके बाद मैंने डेवलपमेंट ऑफ टूथ ऑब्वियसली अभी पढ़ा है एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से डेंटिन रिवाइज करूँ क्योंकि देखो मैंने ये सोचा कि बहुत कुछ है ना, पेपर में कुछ भी आ सकता है. एटलीस्ट जो चीज़ मैं पढ़ी हूँ उसको मैं रिवाइज करके नहीं जाऊँगी तो वो भी भूल जाऊँगी, इसलिए मैं डेंटिन और पल्प अभी पढ़ूँगी. बाकी मैंने इंसाइजर्स छुआ तक नहीं है, ना ही मैक्सिलरी ना ही मैंडिबुलर, आएगा तो गए काम से. आफ्टर दैट मैंने मतलब बेसिकली मैंने डेंटल एनाटॉमी बहुत कम पढ़ी है, ठीक है. हिस्टोलॉजी ठीक ठीक से पढ़ ली है एंड आई जस्ट वांट टू रिवाइज इट नाउ सो दैट कि जो कुछ भी पढ़ा है वो दिमाग में रहे. और सबसे बड़ी दिक्कत है यार, याद नहीं होती मुझे चीज़ें. कोई देख रहा है ज्ञानी बच्चा या ज्ञानी इंसान, कोई ट्रिक हो याद करने की, रिकॉल करने की, मेमोराइज करने की, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है BDS में आने का, बिकॉज सब कुछ याद करना पड़ता है. बहुत चीज़ें कितना भी समझ लोगे बट द टेक्निकल टर्म्स तुम उसको वो नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तुम्हें उसको लिखना ही होगा. तो प्लीज़ हेल्प मी आउट गाइज अगर तुम लोगों को कुछ भी पता हो तो. एंड यस, यही अपडेट था अभी तक के लिए एंड कल मिलते हैं यार गाइज फिर, ठीक है. अभी बहुत सारा पढ़ना है. 19th of August एंड मैं जा रही हूँ कॉलेज. 8:30 हो रहा है, 9 बजे से हमारा पेपर है DADH का. आई जस्ट होप कि ठीक ठाक हो जाए पेपर, बहुत डर लग रहा है गाइज लिटरली. एंड मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद. ओके गाइज, हमारा DADH का पेपर हो गया है एंड मेरा 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आता था. लोगों का छूटता है, हमको आता ही नहीं था. और आई जस्ट होप कि मैं पास हो जाऊँ यार. और फिलहाल 1 to 50 वालों का वाइवा है अभी और हम लोग वैसे ही बैठे हैं क्लास में, सोच रहे हैं कि कल क्या होगा हमारे साथ. उसका दुख अभी से मनाने की कोशिश हो रही है. और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, इसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है. इसने इतना लिखा है कि 37 पेज के बाद भी इसने सोचा कि अब कहाँ जला. इसने फिर से इसने री राइटिंग कर दी. बोल चुप रहो. 20 है और कल मेरा पेपर है. इट्स 21st August और कल मेरा पेपर है बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स का. एंड मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है. बहुत सारे चैप्टर थे, कुछ रिवाइज नहीं कर पा रही, कुछ भी दिमाग में नहीं. आई डोंट नो मैं कल क्या लिखूँगी और कैसे पास होंगी. और मैंने सारा दिन कोशिश कराया पढ़ने का बट चीज़ें, इतनी चीज़ें नहीं हो पाई है.
एंड आज हमारे मैं जा रही थी वहाँ पे बहुत भंडारे हुए हैं और पूजा पाठ भजन कीर्तन वगैरह हुआ है, जिस वजह से काफ़ी शोर थी तो उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाए, बट आई जस्ट होप भगवान जी पास करा दे मेरे को बस। अभी का टाइम ऑलमोस्ट 12 बज रहा है एंड यहाँ अभी भी मैं ऐसे टॉपिक्स लेके बैठी हूँ कि अभी और ये पढ़ना है करके चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है। डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस, यार पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं लोग, आई डोंट नो। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि बस कैसे भी, और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि जब बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर एक साथ होता है तो अगर 50 मार्क्स का टोटल पेपर है हमारा, तो बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स है, हमको 12.5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, बाकी दो शॉर्ट नोट्स होंगे 5-5 मार्क्स के। जस्ट इमेजिन अगर हमें 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता तो वैसे भी 10 वाले करके हम पास भी नहीं होंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। सो लेट्स होप कल चीज़ें ठीक हो एंड यहाँ मिलते हैं कल फिर। गाइस एग्ज़ाम आज का बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियो का ओवर हुआ फाइनली, एंड आपका अगला माइंड में क्वेश्चन होगा कि कैसा गया निशो का पेपर, तो पेपर वाज ओके, बहुत अच्छा नहीं गया एंड बहुत ख़राब, मतलब यार क्या एक्चुअली द थिंग इज़ ना, पेपर में क्वेश्चन ही कम होते हैं, सो हमें ये लगता है कि हम क्या लिखें कि पास हो जाए, बिकॉज द थिंग इज़ अगर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जा रहा है जैसे कि मैं कल रात को बता रही थी, और बाकी जो 25 में आता है वो और 4 क्वेश्चन यू नो उसमें रहते हैं, तो इस तरह से जो थी तो कुछ चीज़ें आ रही थी, कुछ चीज़ बना के लिखनी पड़ रही थी, सो बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं करा है, सो इसलिए मुझे बहुत डर है। लेट्स होप कि ठीक ठाक बस पास हो जाओ, यार मेरे को बहुत डर है। ठीक है अभी ये तो हो गया, जो हो गया वो हो गया, नाउ द थिंग इज़ कि बायोकेम और फिजियो का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा यू नो 29 और 30 को होगा, एंड अभी मेरा परसों यानी 24 को मेरा एनाटॉमी का पेपर है, विच इज़ टफ। व्हेन आई सेड टफ, सच में बहुत ज़्यादा टफ होता है एनाटॉमी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है एंड इसमें से क्या आ जाएगा कोई आइडिया नहीं। सो नो कुछ एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल हो जाती है, बट स्टिल और मैं कल कॉलेज नहीं जाऊँगी इसी वजह से मुझे पढ़ाई क्या करनी है बस। कैसे एक होता है ना कि आपको मतलब कैसे भी करके बस पास होना है वाला अभी दिमाग में रहता है, कॉलेज में आके सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, पहले ऐसा था कि अच्छे नंबर लाने हैं, पास होने की थोड़ी चिंता होती थी, बट रियलिटी इधर पता चलती है। सो यही सारी अपडेट्स हैं अभी के लिए, एंड ये व्लॉग लंबा ही होते जा रहा है गाइस, बट ठीक है टॉलरेट करो। चलो ठीक है मिलती हूँ फिर बाद में। फाइनली हमारे थ्योरी पेपर्स ख़त्म हो गए और आज मेरा वाइवा भी था एनाटॉमी का, जो कि अच्छा गया मतलब ठीक गया, बट द पेपर जो थ्योरी पेपर थी एनाटॉमी की वो बहुत ज़्यादा ख़राब गई है, बहुत बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा ख़राब गई है। बाकी अभी हमारा बायोकेम और फिजियो का बस प्रैक्टिकल बजा है जो 29 और 30 को होगा, फाइनली थ्योरी पेपर्स ख़त्म हो गए और आज मैं आई वाज लाइक कि चलो आज कुछ बाहर खाने जाते हैं, सो हम मैं बाहर गई थी और क्राउन मॉल में और कुछ कुछ चीज़ें खाई हूँ, वरना अभी वापस आई थोड़ी देर पहले, एंड नाउ कल हमारा DADH का कुछ चीज़ें चेक होगी तो वो मैं कंप्लीट करती हूँ, एंड इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, जो कि इतने लंबे अरसे से व्लॉग चल रहा है, एंड मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर देना, बाय।